कानपुर फिल खाना क्षेत्र में पकड़े गए सेक्स रैकेट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रैकेट का नेटवर्क दिल्ली से लेकर नेपाल तक फैला हुआ था और लड़कियों की बुकिंग सोशल नेटवर्क साइट्स के जरिए की जाती थी। पुलिस के रडार पर 3 सफ़ेदपोशों के मोबाइल नंबर भी हैं। काल गर्ल्स के दलालों के लिए कोडवर भी निर्धारित था। फिलखाना थाना क्षेत्र में कल एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया, इसमें जो मेन संचालिका थी इस रैकेट की और 3 लड़कियां और 3 लड़कों की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से लगभग 72,000 रुपये और कुछ आई कार्ड बरामद हुए हैं और इसकी जो इनके पास से 4-5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं उसके डिटेल खंगाले जा रहे हैं पता करने के लिए नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। क्या पता चला कहां तक नेटवर्क फैला हुआ, अभी तक क्या जानकारी सामने आई? इनसे पूछताछ से और मोबाइल की छानबीन से पता चला है कि दिल्ली मुंबई यहां तक के भी जो एजेंट हैं वो इनके संपर्क में हैं। इनके जो मेन संचालिका के एजेंट हैं वो संपर्क करते हैं दिल्ली के एजेंटों से और वहां पे जो भी इनका रैकेट है वो क्लाइंट की डिमांड के आधार पर उसी तरीके से ये लोग ऑपरेट करते हैं, सप्लाई किया जाता है। क्या 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 कुछ कोड भी यूज करते थे अपने मोबाइल? एक चीज का पता चला कि चार्ली कोड का इस्तेमाल इन लोगों ने किया एजेंट के लिए, जो एजेंट जो क्लाइंट को लेके आते थे और अपना कट एक तिहाई कट जो लेते थे उन एजेंट का नाम इनके मोबाइल में चार्ली नाम से सेव है, नाम के आगे चार्ली लगा हुआ है। तो जब बातचीत की गई पता चला कि वो चार्ली एजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है चार्ली वर्ड का। किस स्तर पर संचालन हो रहा था, कानपुर से ही हो रहा था या कानपुर के अलावा देश के तमाम हिस्सों में ये सप्लाई करते थे? मेनली तो कानपुर में सप्लाई करते थे और इनके क्लाइंट्स भी ज्यादातर कानपुर के हैं, लेकिन डिमांड के ऊपर था। जो व्हाट्सएप के डिटेल से इनके पता चला है कि अगर किसी की डिमांड होती थी तो दिल्ली तक संपर्क करके, मुंबई तक संपर्क करके, नेपाल तक संपर्क करके और उन डिमांड्स के हिसाब से ये लोग कांटेक्ट करते थे एक दूसरे से। जी इसमें वेबसाइट और व्हाट्सएप का मेन प्रयोग किया गया है। व्हाट्सएप के माध्यम से पिक्चर्स भेज के क्लाइंट्स को बढ़ाया जाता था, नए नए लोगों को इसको इसमें लुभाया जाता था और उसके साथ साथ कुछ वेबसाइट्स पर नंबर डाले हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि कानपुर में आप अगर इस तरह की सर्विसेज चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। उसके 3 स्क्रीनशॉट्स हम लोगों को मिले, उस पर भी काम किया जा रहा है। अभी तक तो कुछ मोबाइल नंबर हमें मिले हैं, 10-12 मोबाइल नंबर मिले हैं, उनका डिटेल मंगवाया जा रहा है कि किन लोगों के नंबर हैं और जो भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।